कि हाकम बदलता लेकिन हुकुम नहीं बदलता, और ये हमारे राजस्थान की परंपरा रही है। पहले भी नए जिले बने हैं और सरकारें भी बदली है, लेकिन उन नए बने जिलों से किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। जब से राजस्थान में सरकार बदली है, आए दिन हम भी सुन रहे हैं, कभी ललित के पंवार साहब की कमेटी बनी, कभी मंत्रिमंडल का समूह रिव्यू करने के नाम पे बना, लेकिन हमने बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैंने समझा कि राजस्थान की परंपराओं का ये सरकार भी सम्मान करेगी, लेकिन कल जब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ का बयान आया, तब मैंने सोचा कि अब बात करनी चाहिए। उन्होंने केकड़ी का नाम लिया स्पेसिफिकली, और उन्होंने ये कहा कि ये जिले नहीं रहेंगे और ये मापदंड पे खरे नहीं उतरते हैं। तो ये जो रामलुभाया कमेटी जब बनी थी, उसकी रिपोर्ट का वो अध्ययन कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। सवाल ये है कि 1,81,000 लोगों ने अपने मोबाइल नंबर समेत साइन करके मुख्यमंत्री को हजारों की संख्या में जयपुर जाकर ये ज्ञापन दिया था कि केकड़ी को जिला बनाओ। अब वो सारे कांग्रेस के लोग तो थे भी नहीं, आम आदमी की भावना थी, सभी विचारधारा के लोग थे, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, बीजेपी के लोग भी थे, और भी विचारधारा के लोग थे, और सभी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री जी ने केकड़ी को जिला बनाया। आज मदन जी ये कहे कि केकड़ी में लोग ही नहीं चाहते हैं जिला बनाना, तो मुझे एक आदमी का नाम तो बताओ। ऐसा गैर जिम्मेदार बयान एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो कि सत्ता में बैठी कैसे दे सकते हैं? केकड़ी में एक व्यक्ति का नाम बताओ जो ये विरोध करता हो कि केकड़ी जिला नहीं होना चाहिए। उनका बयान आप पढ़ना, उसमें ये कहा कि यहाँ के लोग ही नहीं चाहते। और रहा सवाल मापदंड का, केकड़ी का आखिरी गांव अजमेर जिला मुख्यालय से 130 किलोमीटर दूरी पर, उन लोगों की पीड़ा को कौन समझता? सुबह से शाम हो जाती जिला मुख्यालय पहुंचने में, हमारे से 130 किलोमीटर के करीब अजमेर पड़ता है, 100-125 किलोमीटर भीलवाड़ा पड़ता है, इतना ही कोटा पड़ता है, इतना ही अजमेर पड़ता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से केकड़ी 50 बरस से पिछड़ी हुई जगह है, और हमने पिछले 15 सालों में नई तहसीलें बना के, एसडीएम मुख्यालय बना के, जिला परिवहन कार्यालय बना के, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक का कार्यालय बना के, सारे जिलों जिला स्तरीय दफ्तर यहाँ खोले, एडीएम का दफ्तर भी खुल गया। तो बात तो सिर्फ कलेक्टर एसपी के बैठने की रह गई थी, एक दिन में कोई भी जिला बनता नहीं है। आज हमारी 6 तहसील थी, 3 उपखंड थे और 3 नगर पालिकाएं थी, तब हमने दावा किया कि केकड़ी को हम जिला बनाएंगे। उसके बाद आज इसमें टोडा राइसिंग मिला है, भिनाय मिली है, 5 उपखंड हो गए, तहसीलों की संख्या भी आपके सामने है। मैं नहीं समझता कि कौन सा मापदंड है जिसपे केकड़ी खरा नहीं उतर। और मदन जी राठौड़ से मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश गुजरात है बगल में, मुझे ये बताएं कि वहां एक विधानसभा पे कितने जिले हैं। ये मदन जी राठौड़ से मैं पूछना चाहता हूं, ये कोई मापदंड नहीं है कि एक विधानसभा का जिला नहीं बनेगा, जहां गुजरात में 35 साल से 36 साल से बीजेपी सरकार में है, वहां एक विधानसभा पे कितने जिले हैं ये बताओ मेरे, मुझे तो मालूम है। और राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य, आज समय की आवश्यकता है कि गुड गवर्नेंस को दृष्टिगत रखते हुए जो इलाके पिछड़े हुए रह गए उनको तेजी से विकास के रास्ते पे आगे ले जाने के दृष्टिकोण से, और मापदंड खरे उतरने के दृष्टिकोण से रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट पे ये जिले बने हैं। मध्य प्रदेश तो हमारे से छोटा है भौगोलिक दृष्टिकोण से, बीजेपी की सरकार है वहाँ, 55 जिले हैं आज भी, हमारे तो बड़े हुए जिले होने के बाद भी मध्य प्रदेश से कम जिले हैं। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि बीजेपी की सरकार कुछ नए जिले बनाने की और बात करेगी, ताकि सत्ता का लाभ और लोगों की पहुँच तक पहुँचे, लोग आसानी से जिला मुख्यालय जाएं और उनसे अपनी समस्याओं का निदान कराएं। पर ये दुर्भाग्य है
जिस तरह का बयान आया मैं तो इसकी निंदा भी करता हूं, इसे गैर जिम्मेदाराना बयान भी कहता हूं और सरकार से मांग भी करता हूं कि वो अपना रुख स्पष्ट करे इन जिलों के भविष्य को लेकर, सरकार क्या सोच रही है, क्या करने वाली है। और इस बीच में क्योंकि अब बीजेपी के अध्यक्ष जी का ऑफिशियली बयान आया केकड़ी को लेके, तो मैं यहाँ के सभी दलों के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो सोशल मीडिया कैंपेन चलाएं, ज्ञापन दें मुख्यमंत्री जी के नाम, और ये जो एक साल से ज्यादा हमारा जिले के रूप में हम काम कर चुके हैं, तीन जिला कलेक्टर आ चुके हैं, इस बीच में तीन जिला पुलिस अधीक्षक आ चुके हैं, इससे बड़ा अन्याय केकड़ी के साथ और कोई होगा नहीं अगर ये सरकार इस तरह का फैसला करती है। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी अध्यक्ष का ये व्यक्तिगत बयान हो सकता है, सरकार का बयान नहीं होगा। और हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि संवेदनशील मसलों पर संवेदनशील तरीके से ही निर्णय ले तो उचित रहेगा। लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई काम करना नहीं चाहिए। आज क्या हालत है राजस्थान की, अतिवृष्टि से परेशान है लोग, सड़कों की हालत खराब है, जगह जगह किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है, सुअर जो खेतों में घुस रहे हैं उनसे लोग परेशान हैं। मुद्दे बहुत हैं जिन पे काम करने की जरूरत है, यही मुद्दा नहीं है। और इससे बीजेपी को भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि राजनीतिक रूप से मैंने कहा आपको कि सभी लोगों की भावना थी, कांग्रेस बीजेपी अन्य दल सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये जिला बना है। और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस जिले से छेड़छाड़ नहीं करेगी। क्या कभी ऐसा सामने आया कि कोई जिला बनाओ उससे वापस हटाया गया हो भारत के इतिहास, राजस्थान के या भारत के इतिहास में तो मुझे कोई नजर आता नहीं। बंगाल में हुआ, तो यहाँ बंगाल क्यों बना रहे हो राजस्थान को? नहीं मुझे नहीं मालूम है, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। कांग्रेस बीजेपी सरकार अगर ये फैसला लेती है केकड़ी जिले को या और दूसरे जिलों को वापस मर्ज करने का, तो कांग्रेस क्या स्टेप लेगी? ये सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी थोड़ी है, जिला तो आज अगर बना है तो ये केकड़ी की आम जनता के लिए बना है। जो लोग टोडा राय सिंह के भी है उनकी भी दूरी का सवाल था टोंक मुख्यालय से, ये जो भिनाय वाला एरिया है इनका भी दूरी का सवाल था, सभी लोगों का फायदा है इसमें, कांग्रेस पार्टी का अकेला सवाल नहीं। मैं कोई इसमें राजनीति करना चाहता हूँ, राजनीति करनी होती तो मैं पहले ही बोल देता कि जब 9 महीने से चर्चाएं चल रही, कल बीजेपी के अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी का बयान आने के बाद मैं इसलिए आज सरकार से मांग कर रहा हूँ कि वो स्थिति स्पष्ट करे। हो सकता है सरकार ऐसा फैसला नहीं ले, हम स्वागत करेंगे, क्योंकि राजस्थान के व्यापक हित में नए जिले और बने तो अच्छी बात है, लेकिन जो बन गए और एक एक साल से ज्यादा जिले का दर्जे के रूप में लोगों ने जहां कलेक्टर देख लिए एसपी देख लिए, उनसे आप उनका हक छीनने का काम, मैं समझता हूं इससे बड़ा कुटारा का होता नहीं है। और अभी सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन है भी नहीं, लेकिन क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष जी का बयान आया है तो ये हमारे को चिंता में डालने का बयान था, इसीलिए मैंने आज ये बात की। सर एक तो मदन राठौड़ जी ने ये बात की, एक और राठौड़ जी है जिन्होंने, जिनको आपने कोट किया था चुनावी सभा में, राजेंद्र राठौड़ जी को, कि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम जिलों पर पुनर्विचार करेंगे, तब आपने कहा था कि उसमें दम हो तो देखो, अभी तो राजेंद्र राठौड़ जी का कोई बयान नहीं है और अभी ताजा बयान मदन जी राठौड़ का ही है, इसलिए उनके बयान पे हम बात करें तो ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि जिला कैंसिल होने की चर्चाएं हैं ना इसको लेकर। देखिए मैं तो एक बात कहता हूं कि जिला मैं विधायक था, हमारी सरकार थी, मैंने जिला बनाया, अब जिला कैंसिल होता है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं होगी केकड़ी के लोगों के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जनभावना है जिसमें कोई विचारधारा की बात नहीं है, विचारधारा से ऊपर उठ के बात, जिला बनने के बाद भी क्या सारे जिलों में कांग्रेस पार्टी जीत गई क्या? अधिकांश जो नए जिले बने हैं उनमें बीजेपी जीती है, 3 या 4 जिले ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस या कोई निर्दलीय जीता है, बाकी तो अधिकांश में बीजेपी जीती है। तो इसका राजनीतिकरण करने की ना हमारी मंशा है, ना पहले थी ना अब है,
लेकिन केकड़ी आगे प्रगति करे ये तो मैं केकड़ी का नागरिक होने के नाते उम्मीद करूंगा ही। अपनी कोई रणनीति रहेगी अगर जिला कैंसिल होने की? देखिए अभी अभी उनका बयान आया है और मैं उस बयान के आधार पर इतनी बात कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया कैंपेन चलाओ, ज्ञापन दो मुख्यमंत्री जी के नाम कि भाई केकड़ी के लोगों के हितों पर इतना कुठाराघात मत करो। अगर ये फैसला लिया जाता है तब भविष्य की बात है, पहले फैसला तो होने दो तब देखेंगे। सर केकड़ी में महिलाएं तो सुरक्षित नहीं है, अभी दो दिन पूर्व घटना घटी थी, इसमें एक महिला की गर्भवती महिला थी उसको कर दिया गया। देखिए आज तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सिर्फ जिले के बारे में किए, जब सरकार का एक साल पूरा हो जाएगा तब पूरा लेखा जोखा करना चाहिए, जो सत्ता में है उनको अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए और जो हम लोग हैं विपक्ष में, हम विपक्ष के नाते जो भी मुद्दे रहे एक साल के अंदर उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे, यही लोकतंत्र का तकाजा है। तो समय मिलना चाहिए काम करने के लिए।